कि मेरा भंडार बढ़िया में सर्व संपन्न हो चुकी हूँ, तो केंदुआ का खेल भी खेलने लग गई है, अपनी बाल कला करने लग गई है, एक शिक्षा ग्रहण करने योग्य बात है। आनंदमय होके अपने किरणा में अलमस्त होती हुई ये कन्याएं केंदुआ का नृत्य करती हुई कितने खुश नजर आती है, जो दर्शक दीघा में बैठे हुए हम लोग हमें भी बड़ा आनंद हो रहा है। कितनी शक्ति है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें पहाड़ की महिलाओं का पूरी जीवन शैली को दर्शाया गया है, इस कार्यक्रम से मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से पहाड़ की महिलाओं का जीवन किस प्रकार का होता है, किस प्रकार वो दिन रात मेहनत करके काम मेहनत करती हैं और मौका आने पर वो सब कामों में निपुण होती हैं, यानी काफ़ी सशक्त होती हैं। पहाड़ की महिलाओं का एक सुंदर चित्रण इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, तो आप लोग देखिए इस कार्यक्रम को। संस्कृति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम आए
की कटाई का कार्यक्रम चल रहा है विरल खलियानों में। ये महीनों फसल तैयार हो गई तो अब इस धान को संगठित करके कटाई करके इसको सवार दे तो है। इन महीनों ने धान काट करके कुंडी लगा दी है, सब चीज कर दिया। अब इसके बाद उसकी मंडाई भी हो गई है। मंडाई के बाद अब धान की कुटाई का कार्यक्रम चल रहा है। जब ये उस धान की कुटाई है, ओखली में धान कूट रही है और उसी के साथ साथ नृत्य के साथ आनंदित होकर के सबको भी आनंद कर रही है। अब ये धान का कार्यक्रम कुटाई का अविरल चलते हुए देता है।
ऐसी भावना उत्पन्न होती इन नारियों में और ये शिक्षा के लिए अपनी बहनों के लिए लेती है। बहनों, तुम भी स्वयं अपने आत्मरक्षा के गुरु सीखो और देश की रक्षा करो, परिवार की रक्षा करो, समाज की रक्षा करो, अपनी आत्मरक्षा करो। ऐसा ये अनुसरण के लिए आप हमको सबको तत्पर होना है। इससे हमारी संस्कृति भी जुड़ी है, हमारा सांस्कृतिक नृत्य भी जुड़ा हुआ है और ये एक कलाकृति ऐसी है, एक भावनात्मक रूप से नारियों के लिए आत्मविश्वास जगाता है। समाज में आज पहले पुरुष प्रधान देश होता था, लेकिन आज नारियों को भी समान अधिकार दिया गया, 50% का नारियों को अधिकार और 50% पुरुषों का अधिकार, समान अधिकार होने के साथ ही नारियों में एक ललक पैदा हो गई है। हम देश की रक्षा के लिए भी तैयार है, अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार है और ये युद्धाभ्यास करती हुई ये ना कहे और सत सत नमन करती उस माता को जिस माता ने ये शक्ति प्राप्त की है। ये माता, ये जो नागरी माता है, इन नागकन्याओं की इष्ट देवी है। तब ये अपने इष्ट देवी का नमन करते हुए सत सत नमन करती, कोटि कोटि प्रणाम करती कि हमने आपका तमाम संपन्नता के साथ अपने आत्मरक्षा के गुरु भी सीखे हैं, इसलिए हे माँ तुझे कोटि कोटि नमन, तुझे सत सत प्रणाम। ऐसा करते हुए नृत्य के साथ नमन करते हुए